वो ऑल आर देयर इन क्लास, कौन कौन है क्लास में? हर्षित, निहारिका, कनिका और सोनू, वंशिका और अनीश। और कौन है? चेतन। शिवम। ओके ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 180 से। रेल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चल रहा था हमारा पेज नंबर 180। किशन, गौरव, अनुराग, दिव्या। ओके, दिव्यांशु भी आ गया। चलो ठीक है, पेज नंबर 180 शुरू करेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट से आज हम शुरू करेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल इन इंडिया। लाइट एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय रेल ट्रांसपोर्ट। इंडियन रेलवेज एज इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन नोन एज गुड कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम द लास्ट 150 ईयर्स। इंडियन रेलवे हैज कंट्रीब्यूटेड मच इन द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे लाइंस वाज 67,312 किलोमीटर ऑन 31 मार्च 2016। देर वर 7,133 रेलवे स्टेशन, 9,213 रेलवे इंजन, 53,220 पैसेंजर ट्रेन, 6,493 कोचेस एंड 2,29,381 ट्रेन इन इंडियन रेलवे। तो रोडवेज के बाद रेलवे जो है वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सबसे उत्तम माध्यम है। आज भी जो है हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो रेलवे से ट्रेवल करती है। उसका एक रीजन तो ये है कि जो रेलवे है वो चीप है, एयरवेज ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली पड़ता है, उसके कंपेयर में रेलवे बहुत चीप है और कंफर्टेबल भी है। तो इसलिए जो है मैक्सिमम जो लोग है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो रेलवे के थ्रू करते हैं। इसके अलावा लाइट और हैवी मटेरियल्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भी रेलवे के माध्यम से होता है। रेलवे जो है हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। इकोनॉमी का क्यों ये बड़ा पार्ट है, उसका रीजन है जो रेलवे है वो तुम्हारा जो है सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो रेलवे से जो इनकम जनरेट होती है ये पैसा डिफेंस को जाता है, देश के डिफेंस को, आर्मी को जो पैसा जाता है वो रेलवे से जाता है। क्योंकि डिफेंस जो है वो एक प्रोटेक्टिव बॉडी है, तो डिफेंस अर्निंग सोर्स नहीं है डिफेंस का। तो रेलवे जो है सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जो अर्निंग सोर्स क्रिएट करता है, इसीलिए रेलवेज का जो प्रॉफिट होता है वो डिफेंस को जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दिया हुआ 2016 में 67,312 किलोमीटर के रेलवे लाइन थे और करीब करीब 7,133 रेलवे स्टेशन। इसके अलावा यहाँ ट्रेन और उसके नंबर्स भी दिए हुए हैं। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1853। इट वॉज रन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे ऑन 33.6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन ऑन 16 अप्रैल 1853। इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज इन 1951। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया वॉज डेक्कन क्वीन विच वॉज रन इन 1929 बिटवीन गोवा एंड पुणे। टूडे देर इज ए वाइड नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द कंट्री। रेलवे जो है वो हम भारतीयों को ब्रिटिशर्स की देन है। रेलवे का इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था कॉलोनाइजेशन रूल में। सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो कॉलोनाइजेशन रूल में चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में जो डिस्टेंस था तुम्हारा 33.6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुई। 47 में देश आजाद होने के बाद में 51 में जो है रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये गवर्नमेंट सेक्टर बनी। उसके बाद में 1929 में
इलेक्ट्रिफाइड हुई, इलेक्ट्रिक इंजन चलने लग गई, जो चली सबसे पहले गोवा और पूना के बीच। तो ऐसे फिर जो है धीरे 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 जो है रेलवे का विकास होता चले गया, रेलवे विकसित होती गई। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेलवे लाइंस इन द कंट्री। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज आर द मेन लाइंस। द रीजन्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स एंड हैवी मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कोल, मिनरल ऑयल, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर हैविंग ब्रॉड गेज लाइंस एंड मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस ऑयल। बट रॉ मेटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू मीटर गेज ओनली। ऑल्दो द ट्रांसपोर्टेशन बाय दिस नैरो लाइन्स इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, एज ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड यूनिगॉज प्रोजेक्ट ऑन सिमिलर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इन 1992। अंडर दिस स्कीम ऑल द मीटर गॉज लाइन्स आर कन्वर्टेड इन टू ब्रॉड गेज। अब जैसे अलग अलग लैंडस्केप है, अलग अलग लैंडस्केप के हिसाब से अलग अलग टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से जो रेलवे लाइन्स है वो डिजाइन होती हैं। रेलवे लाइन्स तीन फॉर्मेट में आती हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, जो मेन स्ट्रीम लाइन जिसको हम कहते हैं, वो होता है तुम्हारा ब्रॉड गेज। अब ये जो ब्रॉड गेज है, इसी से ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर भी जो ट्रैवल करते हैं, ये ज्यादातर जो पैसेंजर रूट ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है, ये होता है तुम्हारा ब्रॉड गेज। मीटर गेज का यूज नैरो लाइंस होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से मेन स्ट्रीम वैगन तक लाने के लिए पतली रेलवे लाइन बिछती है, जिसको कहते हैं मीटर गेज। अब ये जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, उसका रीजन ये है जो हैवी मटेरियल जैसे आयरन और वगैरह है, माइन से वो काफी हैवी होती है, तो माइन से उसको रेलवे वैगन तक लाना या रेलवे यार्ड्स डिपोज तक लाने के लिए जो है ये रेलवे लाइन्स यूज में आती है। और क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से जो है रेलवे ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। 1992 के बाद में इन्होंने क्या किया, जो मीटर गेज था उनको भी ब्रॉड गेज में उन्होंने कन्वर्ट किया। नेचुरल लैंडस्केप, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेलवे ट्रांसपोर्ट इन आर कंट्री। रेलवे लाइंस पास थ्रू हिली एरियाज, प्लेन, स्वैम्पी रीजन्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड टनल्स एंड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टुडे रेल ट्रांसपोर्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेल ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन रेलवे इज हैवीली बर्डन विद द प्रेशर ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एट द सेम टाइम। इट फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्टेशन। द इंडियन रेलवे इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम सच एज पुअर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एब्सोल्यूट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, पुअर मेंटेनेंस, रॉबरी। अब देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा जो प्रिफर हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रैवलिंग के लिए, वो रेलवे को प्रिफर करते हैं। हालांकि इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। अब इसमें काफी सारे चैलेंजेस क्या है कि जैसे कि मान लो रेलवे जो है ऑलमोस्ट उसने बहुत ब्रॉड नेटवर्क बनाया हुआ है, जंगलों के अंदर से भी उसने रास्ता बनाया, रेलवे ट्रैक्स, टनल्स के अंदर से भी रास्ता क्रिएट किया गया है, ताकि जो है कंट्री के ईच कॉर्नर और मैक्सिमम पार्ट्स को वो कवर कर सके। लेकिन रेलवे के ऊपर में काफी सारा बर्डन भी है। बर्डन क्या है कि रेलवे में बर्डन यह है कि रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन यानी गुड्स ट्रेन भी चलानी पड़ती है, साथ ही साथ उसको पैसेंजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रैवलिंग के लिए, तो दोनों ही साथ में साइमल्टेनियसली कैरी आउट करना पड़ता है, तो ये दोनों चीज की जिम्मेदारी होती है। ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है। मेंटेनेंस, डेवलपमेंट करना, उसके बाद में सिक्योरिटी रीजंस, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू से जो है रेलवे को गुजरना पड़ता है। कीपिंग इन व्यू द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, देर आर अटेम्प्ट फॉर डबलिंग ऑफ रेलवे लाइंस, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड चेंजिंग मीटर गॉज इन टू ब्रॉड गेज रैपिडली अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट। और द स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डबल रेलवे लाइन ऑफ 1534 किलोमीटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मुंबई टू रेवाड़ी,
अंडर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट विच विल फुलफिल द नीड्स ऑफ कंटेनर ट्रांसपोर्ट। कई जगह जो है सिंगल रेलवे लाइन ट्रैक्स बने हुए हैं, जैसे हम जयपुर से अगर सीकर जाएं तो वहां डबल ट्रैक्स अभी रिसेंटली काम चल रहा है, पहले सिंगल लाइन ही थी, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हैम्पर होता है कि एक ट्रेन को एक पर्टिकुलर स्टेशन पे रोकना पड़ता है, फिर दूसरा ट्रेन पास करता है, फिर उस ट्रेन को अलाउ किया जाता है, तो इस तरीके से जो टाइम फैक्टर है वो बढ़ जाता है। इसीलिए अब धीरे धीरे जो है लगभग सारे मीटर गॉज को ब्रॉड गॉज और डबल लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि दो ट्रेन साइमल्टेनियसली जा सके, किसी को रोकना ना पड़े किसी ट्रेन की वजह से। यानी एक तरीके से हम इसको शॉर्टकट में कहें तो जैसे छोटी रोड होती है तो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हो जाती है, नैरो रोड होती है तो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हो जाती है, उस तरीके के में रेलवे में ये ट्रैफिक जैम वाले इश्यू ना हो, इससे टाइम फैक्टर भी बचे लोगों का। दूसरा, रेलवे में अभी भी स्टीम इंजन चल रही है तो स्टीम इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं वो स्टीम इंजन के कंपैरिजन में फास्टर होते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, उनका पावर ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे कि रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और जो टाइम फैक्टर है उसको कम किया जा सके, यानी मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे का उसको धीरे 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 जो है वो फास्टर किया जा सके। राजस्थान हैज 11% ऑफ टोटल रेलवे लाइन नेटवर्क इन इंडिया। टोटल लेंथ ऑफ रेलवे लाइन इन राजस्थान वाज 5,870 किलोमीटर इन मार्च 2013-14, विच वाज 9.4% ऑफ टोटल लेंथ रेलवे लाइन ऑफ 64,000 किलोमीटर। ब्रॉड गेज इज राजस्थान इज 82.9% ऑफ टोटल लेंथ। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ मीटर गेज एंड नैरो गेज इज 15.6% एंड 1.46% रेस्पेक्टिवली। द एवरेज लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन राजस्थान वाज 17.2% स्क्वायर किलोमीटर 31 मार्च 2012, विच वाज 19.2 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल लेवल। राजस्थान में जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे कंट्री का 11% है। ज्यादातर यहाँ पर मीटर गेज है, ब्रॉड गेज थोड़ा कम है। उसका रीजन है कि राजस्थान के बहुत सारे हिस्से जो है वो मरुस्थल है, यानी डेजर्ट रीजन में होता है। डेजर्ट रीजन में थोड़ा रेलवे ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल होता है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे रीजन जो है राजस्थान में वो थ्रू रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, इंटीरियर रीजन वो ज्यादातर जो है रोडवे से ही कनेक्टेड है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है राजस्थान का भी जो है वो रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से जो राजस्थान, पूरे राजस्थान की जो रेल कनेक्टिविटी है उसको धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है और इंक्रीज भी किया जा रहा है। तो ये है तुम्हारा रेलवे के बारे में। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेजर रेलवे रूट इन राजस्थान का रेलवे रूट दिया हुआ है, जैसे जयपुर मुंबई, जोधपुर हावड़ा, दिल्ली अहमदाबाद, उदयपुर दिल्ली, बीकानेर दिल्ली, ये सारे रूट हैं राजस्थान के जिसमें लॉन्ग रूट ट्रेन चलती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रेन भी चलती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आया सबको? झील है क्लास में, झील मोटी कनिका, कनिका है मोटी, आज क्लास में नहीं है ना? झील है, झील भी आज क्लास में नहीं है। ये वंशिका कौन सी वंशिका है, मोटी या पतली? मोटू या पतलू, कौन है ये? कौन सी वंशिका है, मोटू पतलू, शेखावत और पालीवाल? ओके,
अब हम आ जाते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन इज कंपैरेटिवली अ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अर्लियर यूज ऑफ पाइपलाइन वाज लिमिटेड इन सिटीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर वाटर सप्लाई ओनली। टुडे इट इज यूज टू सप्लाई क्रूड ऑयल, पेट्रोल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस टू ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन। सॉलिड एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड फॉर्म एंड कैरीड थ्रू पाइपलाइंस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन इंटीरियर एरियाज ऑफ द कंट्री सच एज बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट इन द इंटीरियर पार्ट हैव बीन पॉसिबल ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ दिस पाइपलाइंस ओनली। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। पाइपलाइन भी एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ज्यादातर पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन रिफाइनरी से प्लांट तक जो होता है ये पाइपलाइन के थ्रू होता है। पाइपलाइन को डेवलप करना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बाद में ये मेंटेनेंस इसका बहुत कम होता है, यानी एक बार खर्चा मांगता है। पाइपलाइन को क्यों प्रिफर किया जाता है? क्योंकि ये बहुत सेफ मोड है इन चीजों को, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भारी क्वांटिटी में हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, पेट्रोल के टैंकर्स आते हैं जिसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है। भारी मात्रा में पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, ताकि रिफाइनरी से वो पास के बड़े यूनिट तक जहां से ट्रांसपोर्ट किया जा सके छोटे छोटे स्केल में, वहां तक हम इसको पाइपलाइंस के थ्रू कर सके। दूसरा सेफ्टी कंसर्न भी होता है। अब जैसे गैस है, एलपीजी है, अब ये एलपीजी जो है ज्यादा क्वांटिटी में हो तो लीकेज का भी डर रहता है, और ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ होता है, तुरंत आग लग जाए। मान लो किसी टैंक से लीक हो रहा है तो वो पूरा टैंक भी ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी भी उड़ जाए और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी मर जाए। अब ये जो पाइपलाइंस बिछी होती है जमीन के नीचे बिछी होती है, अंडरग्राउंड होती है, तो इससे अगर लीकेज वगैरह भी कहीं हो तो कोई डैमेज नहीं क्रिएट होगा, वो मिट्टी के अंदर दब के रह जाएगी, तो इस तरीके से ये सेफ होता है। दूसरा, इससे कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का या कोई खतरा का डर नहीं रहता है, एक जगह से दूसरे जगह इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और बल्क में हो जाता है। इसीलिए जो है पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऐसी चीजों के लिए, केमिकल्स, एलपीजी, क्रूड ऑयल्स, इन चीजों के लिए। अब इसमें देखो दिया हुआ है, इन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन डिले इन सप्लाई एंड लॉस इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नेग्लिजिबल। देयर आर थ्री मेजर पाइपलाइंस नेटवर्क इन नेटवर्क। प्लांट्स है जिनको रेगुलर सप्लाई चाहिए, वो पाइपलाइन होने से उनमें रेगुलर सप्लाई बनी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन में लेट भी हो जाए, कभी टाइम से ना पहुंच पाए, तो उससे प्रोडक्शन यूनिट्स रुक सकती है, नुकसान हो सकता है। प्लस पाइपलाइन से स्पीडिली पहुंचता है, जितना स्पीडिली तुम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं भेज सकते, पाइपलाइन से उतनी स्पीडिली जाती है। तो ये कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे ऐसे पाइपलाइन नेटवर्क को डेवलप किया गया है, जैसे ऑयल रीजन्स ऑफ आसाम टू कानपुर तक वाया गुवाहाटी। कितना लंबा, देखो आसाम से कानपुर, यानी आसाम से यूपी तक जाता है, और ये वाया होकर जाती है गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद शहर होते हुए, फिर बरौनी से हल्दिया यानी बंगाल, फिर राजवन तक जाती है। तो इस तरीके से जो है ये तीन सबसे मेजर पाइपलाइन नेटवर्क है जो हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एज वेल एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर सफिशिएंट टू डेवलप वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों सस्ता है? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ना तो कोई रोड कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, ना रोड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ना रेलवे की तरह रेलवे ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, ना उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है, कुछ नहीं, सिर्फ पोर्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं, यानी स्टेशन की तरह। दूसरा बात है कि वाटर वेज के थ्रू बल्क में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में सामान जो है वो सी रूट्स के थ्रू भेजा जाता है।
हमारे कंट्री का 95% इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, यानी दूसरे देशों में जो हम माल भेजते हैं या मंगाते हैं, वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है। उसके दो कारण है, एयरवेज महंगा है, एयरवेज में बल्क में सामान हम नहीं भेज सकते, वाटरवेज में सस्ता है, बल्क में सामान जा सकता है। दूसरा, इसकी कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है, ये बहुत कम ईंधन में, फ्यूल में जो है, शिप्स बहुत लॉन्ग रूट तक ट्रैवल कर सकते हैं, यानी इनकी माइलेज जो है एरोप्लेन्स के कंपेयर में काफी ज्यादा है, तो इसलिए जो है ये वाटरवेज को प्रिफरेबल बनाता है। थ्रू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वाटरवेज आर एसेंशियल फॉर इट्स ऑपरेशन। इंडियंस हैव बीन अंडरटेकिंग सी वॉयजेस सिंस लॉन्ग। सेलर्स हैव स्प्रेड ट्रेड एंड कल्चर फार एंड वाइड। इट इज इजी टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर सेविंग एनर्जी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट इज कैरीड ऑन इन द कंट्री। ट्रांसपोर्ट वॉज डन सिंस एंशियंट टाइम थ्रू रिवर्स एज इंटरनल वाटरवेज। एज प्रेजेंट देर इज 14,500 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेबल वाटरवे इंक्लूडिंग रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, नैरो बेस। अबाउट 3,700 लॉन्ग वाटरवे इज बींग यूज इन मेजर रिवर्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। आउट ऑफ 4,300 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल नेटवर्क ओनली 900 किलोमीटर रूट इज यूजेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अबाउट 450 लाख टन गुड्स आर बींग कैरिड थ्रू इंटरनल वाटरवेज। देर इज 14,500 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेबल वाटरवे इन इंडिया, बट ओनली 5,685 किलोमीटर रूट इज यूज बाय मैकेनिकल सीप। तो इस तरीके से वाटरवे को हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे तो 14,500 किलोमीटर का 14,500 किलोमीटर का दायरा हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम वाटरवेज में 5,685 किलोमीटर रूट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनल वाटरवेज में तुमने देखा होगा, जैसे केरल रीजन्स में, केरल रीजन्स में ज्यादातर बैक वाटर है, तो केरल रीजन्स में गांव में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैरी होता है वो होता है थ्रू वाटरवेज, शिप्स होते हैं। कई सारे मूवीज में तुमने देखे होंगे, उसमें दिखाया गया है केरल के सीनरीज, जिसमें शिप्स में तुमने देखे होंगे कोकोनट्स, बनानास एक एक रीजन से दूसरे रीजन ले जाते हुए, और वहां पर लोग जो है वाटरवेज के थ्रू, इंटरनल वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जैसे हम टैक्सी या रेडियो टैक्सी में शॉर्ट डिस्टेंस जाते हैं ना, तो वहाँ बैक वाटर्स में लोग जो है बोट में किराया देके, स्टीमर्स होते हैं उसमें किराया देके लोग जाते हैं। वो क्या नाम है, एक मूवी आई थी बागी बागी टाइगर श्रॉफ की, उसमें दिखाया था तुम्हारा केरल के वाटरवेज कैसे लोग बोट्स के थ्रू और वाटरवेज के थ्रू जो है सामान इधर उधर ले जाते हैं। देखा है कि नहीं? कनिका देखी है? नियारिका चश्मा लगा ली क्या तू? मैं दिख रहा हूं ना साहब तेरे को? नियारिका ओके, हाँ अब आते हैं हम इनमें भी जो है नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी है। रिवर्स ऑफ द कंट्री लाइक द गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, बारूडी, कृष्णा, महानदी प्रोवाइड इंटरनल वाटरवेज। ये रिवर्स है जो इंटरनल वाटरवेज प्रोवाइड करते हैं। इनमें नेशनल वाटरवे नंबर वन जो है वो 1,620 किलोमीटर का है गंगा में, ये हल्दिया को, बंगाल में है हल्दिया, वो इलाहाबाद यूपी तक कनेक्ट करता है। दूसरा वाटरवे सेकंड है जो 89 किलोमीटर का है, ये ब्रह्मपुत्र आसाम से सदिया और धुबरी रीजन को कनेक्ट करता है, ये आसाम में ही है। थर्ड वाटरवे 205 किलोमीटर का है जो कट्टापुरम से कोलम यानी तमिलनाडु केरल रीजन को कनेक्ट करता है। चौथा वाटरवे 1,100 किलोमीटर का जो काकीनाडा से भरकानंद रीजन को कनेक्ट करता है। और वाटरवे फाइव है 588 किलोमीटर माताई रिवर में, जो महानदी रिवर से ब्राह्मणी रिवर यानी उड़ीसा रीजन का लॉन्ग पार्ट्स को कवर करता है।
देर आर ऑल्सो सम वाटरवेज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग मांडवी, जुरारी, कंबारिया, सुंदरवन, बाराक, बैक वाटर वे ऑफ केरल एंड टाइडल एक्सटेंशन ऑफ सम वाटर. बैक वाटर जो अभी मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था. मोस्ट रिवर्स ऑफ द कंट्री फेस वाटर शॉर्टेज आफ्टर रेनी सीजन, सो नो ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल इन दिस सीजन. रेनी सीजन में ज्यादातर वाटरवेज का यूज होता है, बाद में कई बार पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं होता है तो वाटरवेज के लिए सुटेबल नहीं हो पाता है, उस समय लैंड ट्रांसपोर्ट प्रिफर किया जाता है. देर आर 10 रिवरवेज वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर द होल ईयर. दिस रिवरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवेज. तो इनको जो है नेशनल वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हम मेजर सीपोर्ट से चालू करेंगे, मेजर सीपोर्ट से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, वैसे तुम्हारे 21st से आज तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, 21st से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं. 9th to 12th जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी 21st ऑनवर्ड्स. अभी स्कूल स्ट्रेटेजी बनाएगी, उसमें शायद तुम लोगों को एक साथ नहीं लेकिन पार्ट पार्ट में बुलाया जाएगा. जैसे एक पारी में 12th क्लास को, एक पारी में 11th क्लास को, एक पारी में 10th को, एक पारी में 9th को जो है वो बुलाया जाएगा. वो दिल्ली की न्यूज है. नहीं, वो सेंट्रल का गाइडलाइन है, वो सेंट्रल का गाइडलाइन है. सेंट्रल ने स्टेट के ऊपर में अभी डिसीजन दिया है, वो सेंट्रल ने स्टेट को डिसीजन दिया है. मोस्ट प्रोबेबली जो सीनियर क्लासेस है स्पेशली बोर्ड क्लासेस, 9th 11th का तो नहीं कह सकते लेकिन 10th 12th को शायद पारी में बुलाएंगे, या फिर हो सकता है कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख के वीकेंड में एक बार या दो बार बुलाएं, या फिर वो ये भी हो सकता है कि अभी राजस्थान में थोड़ा कोरोना का भी इफेक्ट ज्यादा है स्पेशली जयपुर में, तो हो सकता है कि अभी ऑनलाइन को और आगे कंटिन्यू करेगी. ये ऑनलाइन का स्ट्रक्चर तो चलता रहेगा क्योंकि जयपुर में अभी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है. जो भी है, हम हमारा पढ़ाई चल रही है, प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं. क्वेश्चन आंसर्स मैंने कहा है, जैसे जैसे जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं उसके क्वेश्चन आंसर्स एडवाइजर से प्रिपरेशन करते चले जाना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पार्ट में कि तुम लिखो और करो. ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चैप्टर्स प्रिपेयर होते जा रहे हैं उनके एडवाइजर से क्वेश्चन आंसर्स करते चले जाना. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुमको दूंगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, और फिर वर्कशीट्स बना के मैं दो दो चैप्टर्स के टेस्ट भी लूंगा तुम्हारा. ठीक है, अगर जरूरत पड़ी, अगर सिचुएशंस फेवर करता है तो हो सकता है मैं बुलाऊं स्कूल में, अदरवाइज ऑनलाइन लूंगा. ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.